रोजगार जेएसके में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस। इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। इसका ऑनलाइन जो है 1 जून 2023 से फॉर्म जो फिलअप चालू हो गया है। लास्ट डेट इसकी 21 जून 2023 है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमारा फॉर्म बेसिक डिटेल ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे जो अपना फर्स्ट नेम जो है कि फिल करेंगे, इसमें फर्स्ट नेम कंफर्म करेंगे। यहाँ मिडिल नेम फिल करेंगे, अगर आपके पास मिडिल नेम है तो आप फिल कीजिएगा, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ लास्ट नेम फिल करेंगे, और जिसका फर्स्ट एवं लास्ट नेम है फर्स्ट एवं लास्ट नेम में फिल करेगा, मिडिल नेम को आप छोड़ सकते हैं। आपका नाम जो है फुल नेम आपके सामने शो होने लगेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कन्फर्म मोबाइल नंबर। यहाँ अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे अपनी, और एज द रेट के बाद अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे कि आपका जीमेल है या yahoo.com है, yahoo.co.in है, जो भी आपका है इसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट में से। यहाँ पे ईमेल आईडी को कन्फर्म करेंगे, कैप्चर कोड फिल करेंगे, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त हो गया है। आप जो अपने डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, इस यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी पर्पज से हाइड कर दिया है, और यहाँ पे पासवर्ड आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है कि आप गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे फोटो और सिग्नेचर के लिए। अब जो हम यहाँ फोटो की बात करेंगे, फोटो आपका जो है रिसेंट का फोटो होना चाहिए, और उसके बाद फोटो आपका जो है कलर होना चाहिए, और उसका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। फोटो जो है आप अपलोड करेंगे 20 KB से 50 KB के बीच में। वहीं हम सिग्नेचर की बात करेंगे, सिग्नेचर आपका जो है कैपिटल लेटर में अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फोटो आप जो सिग्नेचर है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का यूज करके ही आप सिग्नेचर कीजिएगा। 10 से 20 KB के बीच में जो है कि सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, और फोटो को जो कि सेलेक्ट करेंगे, जिस भी फोल्डर में हमारा फोटो है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। फोटो आपके सामने जो कि डिस्प्ले हो जाएगी, बैकग्राउंड वाइट है, फोटो जो है बिल्कुल कलर फोटो है। यहाँ पे जो है सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जहाँ भी आपका सिग्नेचर उसे सेलेक्ट करेंगे। आपका सिग्नेचर कुछ इस तरीके से आपके सामने शो होने लगेगा। अगर दोनों चीजें ठीक है तो आप यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके आगे जो है कि आपको कैटेगरी फिल करना है। आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जिस भी कैटेगरी के आप हैं उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड एबव, अगर 40% से ज्यादा अगर आप दिव्यांग हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसमें जो है बताएंगे किस तरीके दिव्यांग है, HI है या VI है या लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है या ID है या अदर है, तो आप अदर पे भी, अगर इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप ID एंड अदर पे क्लिक कर सकते हैं। इसे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे OL मतलब 1 leg इफेक्टेड है, या BL मतलब बोथ लेग इफेक्टेड है। इस तरीके से आप इसमें जो है अपने अकॉर्डिंग जो इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसमें जो है कि आप PWD कैंडिडेट है तो आपको बताना पड़ेगा कि स्क्राइबर जो मिलता है अगर उसकी आवश्यकता आपको है कि नहीं है। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सारे ऑप्शन जो डिसेबल पर्सन के लिए ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे 1984 दंगों से इफेक्टेड हैं तो आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। और यहाँ पे आप रिलीजियस बताएंगे, जिस भी धर्म से आप हैं तो आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो यस या नो में आप ऑप्शन क्लिक करेंगे। एक्स सर्विस मैन है तो यस या नो में आप क्लिक करेंगे, या डिसेबल एक्स सर्विस मैन है तो यस या नो में ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप डिवोर्स हैं या वुमेन, आप जुडिशरी, अगर इसमें से कुछ आप है तो आप यस या नो में ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने इससे पहले CWE, CRP, RRB में इससे पहले आपने एग्जाम दिया है
तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। कितने अटेम्प्ट आपने किए हैं, एक किए हैं, दो किए हैं, जितने भी किए हैं आप इसमें सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कंट्रोल दबा के यहाँ पे जितना भी अटेम्प्ट जिस भी एग्जाम का आपने दिया है आप उस पर जो है कि क्लिक कर सकते हैं कंट्रोल दबा के। अगर नहीं दिया पे, अगर आपको याद नहीं हो या आप नहीं बताना चाहते हो, यहाँ पे हम नो कर देंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे दे नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस भी स्टेट से हैं, और यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ, यहाँ पे आप प्री एग्जाम के जो आप सेंटर चूज करना चाहते हैं तो आप इसमें मल्टीपल, जैसे यूपी हमने सेलेक्ट किया है तो यूपी के हिसाब से इसमें डिस्ट्रिक्ट शो करने लगी हैं, जो भी आपके सबसे नजदीक या जो आपको सुटेबल लगे सेंटर आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब मेंस एग्जाम के लिए भी सेंटर जो कि पूछा गया है कि प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, आपके स्टेट के हिसाब से ही आपको डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा एग्जाम सिटी के लिए, तो आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। आईडी प्रूफ के लिए यहाँ पे आप चेक मार्क करेंगे, आईडी प्रूफ आप क्या देना चाहते हैं इसमें देखिए मल्टीपल ऑप्शन है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आईडी प्रूफ नंबर डालेंगे, अगर हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड नंबर यहाँ फिल करेंगे। यहाँ तो मीडियम ऑफ पेपर बताना है, तो मीडियम ऑफ पेपर में देखिए एक तो आपका इंग्लिश और हिंदी, दूसरा है इंग्लिश एंड उर्दू, जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, अब यहाँ पे आपकी एज कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगी आपकी एज कितनी है। यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल, जो भी आपका जेंडर हो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे, अगर आप पैन कार्ड देना चाहें तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं, अगर आप ट्विंस ब्रदर या सिस्टर हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे बताएंगे मेल है या फीमेल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप उसका नाम जो फिल करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बताएंगे अपना मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है या विडो है, जो भी आपका है इस ऑप्शन से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ फादर नेम फिल करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप मदर नेम फिल करेंगे, यहाँ पे एड्रेस 1 लाइन में है और 2 लाइन यूज करके आप कंप्लीट अपना एड्रेस फिल कीजिएगा। यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो अपना स्टेट है उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना पिन कोड फिल कर देंगे। अब दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और ये जो है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे चेक मार्क कर दीजिएगा, अगर दोनों अलग अलग है तो आप दोनों अलग अलग फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अमाउंट शो करेगा, कितने रुपये आपको फीस देना है और उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने से ये होता है दोस्तों कि सारी चीजें जो स्टेप बाय स्टेप जो है वेरीफाई हो जाती हैं। अगर इसमें कुछ छूट जाता है या कुछ रह जाता है तो आपको पता चल जाता है, फिर भाई नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन डिटेल की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ये पोस्ट जो ग्रेजुएशन लेवल की है, तो आप ग्रेजुएशन तो आपको कंपल्सरी जो है फिल करना है, तो यहाँ पे देखिए आप बताएंगे कि आर्ट्स है कि साइंस है कि कॉमर्स है कि एग्रीकल्चर है, जो भी इस लिस्ट में आपकी क्वालिफिकेशन हो आप उसे जो है सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप पासिंग ऑफ ईयर बताएंगे, कब आपका जो है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है उसे आप जो है फिल कर देंगे। यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे कि कितने परसेंट आपके बने हैं, और यहाँ पे आप क्लास बताएंगे फर्स्ट क्लास है या सेकेंड क्लास है या पास है, तो आप जो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसे भी फिल कर सकते हैं, अदर कोई क्वालिफिकेशन है आप अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज जो है कंपल्सरी है, आपके पास जो भी कोई कंप्यूटर नॉलेज हो आप यहाँ पे जो इसकी डिटेल जो है फिल कर लेंगे। अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है तो आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ही फिल कर देंगे। अगर यहाँ पे आपके स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है यहाँ पे जो हम यस करेंगे, आपके स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है कंट्रोल दबा के उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। हिंदी है, उर्दू और संस्कृत है, इसमें से जो भी आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की बात है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे आप सीधा सीधा नो कर दीजिएगा। नीचे आएंगे आपके पास, जैसे अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए और पीडब्ल्यूडी दिव्यांग के लिए और एक्स सर्विसमैन, अगर ये लोग प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे जो कि आप सेंटर एग्जाम सेंटर जो इसमें चूज करेंगे। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं।
इसके बाद अगर आपके पास कोई मुकदमा या कोई केस चल रहा है कोर्ट वोट में, तो यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे लैंग्वेज में आप अपनी लैंग्वेज फिल कर देंगे, जो भी आप की लोकल लैंग्वेज है, जहाँ आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, इसको इस तरीके से चेक मार्क कर देंगे। अगर आप इस एक से अधिक देना चाहें तो आप दे सकते हैं, एक से अधिक अगर लैंग्वेज देना चाहें तो आप यहाँ पे इस तरीके से चेक मार्क करके आप दे सकते हैं। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा, आपका डाटा वेरीफाइड हो जाएगा, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके सामने बैंक प्रेफरेंस आपके सामने शो कर रहा है, आर्यावर्त बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, जो भी आप प्रेफरेंस देना चाहें आप इस हिसाब से देख के प्रेफरेंस दे सकते हैं बैंकों का। आप यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, ओके करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फॉर्म का प्रिंट भी आपके सामने ओपन हो जाएगा, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आप मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर सारी चीज़ें ठीक हो तो आई एग्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके जो मार्कशीट या पे जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो फादर नेम, सब कुछ जो है कि आपके आईडी प्रूफ से मैच करता है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन क्लिक करेंगे। अगर उसमें कुछ डाटा मिसमैच है तो पहला और दूसरा पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में हम अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे, इसके बाद देखिए लेफ्ट लेफ्ट हम इंप्रेशन आपको जो कि अपलोड करना है उस फाइल पे क्लिक करेंगे। जहां भी आप लेफ्ट हम अपने फाइल में रखी हुई उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, तरीके से आपका लेफ्ट हम जो है कि अपलोड हो जाएगा, यहाँ आपके सामने शो करेगा, इस पर ओके पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद जो है कि हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको जो लिखना है, आप नोटिफिकेशन में आएंगे पेज नंबर 29 पे, फोर ऑप्शन, यहाँ देखिए आई के बाद अपना नेम फिल करेंगे, जिस तरह से आपके हाई स्कूल के मार्कशीट दिया हुआ कंप्लीट नेम यहाँ लिखेंगे। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ये पूरा यहाँ तक रिक्वायर्ड तक, ये इतना जो है कि आप एक वाइट पेज पे इतने चीज को अपने हैंड राइटिंग में कॉपी करके लिख देंगे और इसको जो स्कैन करके यहाँ पे जो डिक्लेरेशन के रूप में हम अपलोड करेंगे। इसे सेलेक्ट करेंगे, चूज फाइल करेंगे, जो भी डिक्लेरेशन आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आपका डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, इस तरीके से आप अपना डिक्लेरेशन देख सकते हैं। इसे ओके करेंगे, यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में आपको पेमेंट करना है, यहाँ पेमेंट आपके सामने दिखा रहा है, जिस भी कैटेगरी से आप होंगे आपका पेमेंट आपके सामने शो करेगा। यहाँ पे देखिए 175 रुपये शो कर रहा है, कैप्चर कोड फिल करेंगे, प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे, ये हमें पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट हो गए हैं। यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, यूपीआई सब पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, कार्ड नंबर फिल करेंगे, एक्सपायरी डेट फिल करेंगे, सीवी नंबर, कार्ड होल्डर नेम, यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगी, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको प्रिंट वहीं से जो है प्राप्त हो जाएगा, आप उसे सेव करके रख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों मेरे वीडियो बनाने से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।